Assalamu alaikum dear students, so I am with another lecture of your ORCC physics and current electricity. And in that, we have already discussed questions like that question number first we have discussed. Then question number second we have discussed, question number third we have discussed. Today we will discuss question number 4 and 5. I will try that this lecture will complete. So first question number 4 is the EMF and potential difference. So I will add a slide here and that is EMF and तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको एक चीज. देखिए आपका जो टॉपिक है दैट्स ईएमएफ एंड एक्चुअली इट इज टीपीडी. ईएमएफ एंड टीपीडी तो आप क्लियर हो जाइए दो टर्म्स में. सर व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टीपीडी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. देखिए ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स और इसका सिंबल हम यूज करते हैं फिजिक्स में कैपिटल. और टीपीडी का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो दीज आर द टू टर्म्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो वन इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिंबल इज यूज्ड ई, एंड अनदर इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल यूज्ड इज वी. तो जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो यही दो सिंबल्स आपको सेल्स बैटरीज में मिलते हैं, या तो ई न्यूमेरिकल्स में या वी मिलता है आपको. तो EMF एंड TPD का फुल फॉर्म हो गया, EMF हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सिंबल इज कैपिटल ई, एंड TPD इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल इज कैपिटल बी. बट बिलीव मी दे आर द सेम क्वांटिटीज इन फिजिक्स. When we talk about units and dimensions, so both are having same unit, that is volt. क्योंकि दोनों ये actually potential है और ये EMF term जो electromotive force जो है ये misnomer term है, ये गलत lead कर रही है. आपको ऐसा लग रहा है it's a misnomer, आपको ऐसा लग रहा है ये force है. तो जब बच्चा सुनता है electromotive force तो उसको लगता है ये force की category में आता है, तो इसका unit और dimension force का होना चाहिए. But believe me ये आपका force नहीं है, ये आपका पोटेंशियल होता है. इसीलिए इन दोनों का सिंबल जो है, सिंबल तो वैरी करता है बट इन दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, दैट इज वोल्ट. तो मतलब इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस, तो दे रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी इन फिजिक्स इन टर्म्स ऑफ देयर यूनिट्स एंड डायमेंशंस. दैट इज व्हाई वी से दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ मिसनोमर और अ मिसलीडिंग टर्म इन फिजिक्स. क्योंकि बच्चा जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स पे आके वो सोचता है ये इसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए, इसका डायमेंशन फोर्स का होना चाहिए, बट फिर उसको पता चलता है दैट इट इज हैविंग द सेम यूनिट एंड द डायमेंशन एज दैट ऑफ पोटेंशियल, व्हाट वी कॉल एज आल्सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सो दैट why we say electromotive force, the term is a misnomer, it's a misleading term, it has same units and dimensions as that of terminal potential difference. Sir, ab ye do differ kahan kar rahe, agar ye same units aur dimensions carry kar rahe hain ye do quantities, to differ kahan pe kar rahe, wahi hame padhna aur wahi aapke board se leke entrance mein pucha jata hai. To usko padhane ke liye hame yahan pe ek slide add karni padegi aur hum EMF and TPD acche se padhenge, to hame ek slide add karke hame pehle discussion karna padega about cell. देखिए सेल क्या होता है सर, अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेल के डेफिनेशन पे काम करें. सर व्हाट इज अ सेल, तो बिलीव मी सेल इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट. एक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब इट इज दैट एलिमेंट व्हिच इज क्रिएटिंग एनर्जी और व्हिच इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू ऑल अदर पैसिव एलिमेंट्स. पैसिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं सर्किट में जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जैसे आपका रेजिस्टर है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में पैसिव एलिमेंट रेजिस्टर को हम कहते हैं क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम करने वाला एलिमेंट होता है, जबकि एक्टिव एलिमेंट वो होता है एनर्जी प्रोड्यूस या एनर्जी जो है जनरेट करे सर्किट में, एनर्जी प्रोवाइड करे. तो सेल इज एन एक्टिव एलिमेंट, तो यहां पे मैं लिख दूं इट इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट. इट इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट, एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट. इट इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट, एक सर्किट का ये एक्टिव एलिमेंट होता है. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एक्टिव एलिमेंट, तो आप बोलना इट प्रोड्यूसेस एनर्जी और इट डिलीवर्स एनर्जी टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट. सो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, ये आपके सर्किट में एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है, दैट इज व्हाई इसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. जबकि हमारे पास जो रेजिस्टर्स होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो रेजिस्टर हमारे पास होता है उसको हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स में. तो पैसिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी को कंज्यूम करे. तो ये एनर्जी जनरेटर है और ये एनर्जी कंज्यूमर है. ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझा सकता हूं. हर एक फैमिली में आपका पेरेंट जो आपका पापा होता है,
ठीक है, तो वो आपका एक्टिव एलिमेंट होता है, वो एनर्जी क्रिएट करता है, वही वही मार्केट से पैसा कमाता है, और बाकी जो बच्चे होते हैं वो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं जो उसको कंज्यूम करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एवरी सर्किट इज हैविंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। हर एक सर्किट में, हर एक फैमिली में एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कमाते हैं, लोग रेस्ट खाते हैं। इन द सेम फैशन सर्किट में आपका सेल एक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्रिएट करता है एनर्जी, और आपके रजिस्टर पैसिव एलिमेंट्स है, वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अब जो है, अब ये सेल जो है, ये सेल दो टाइप्स की होती है फिजिक्स में। एक हो वो टाइप जो आप क्लास 10th में पढ़ते, ठीक है, वो होती है, उस सेल को हम आइडियल सेल कहते हैं। तो क्लास 10th में हम आपको जो सेल पढ़ाते हैं वो आइडियल सेल होती है, बट जब क्लास 12th और एंट्रेंस की बात आती है तो हम आपको रियल सेल पढ़ाते हैं। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस, इसी में छुपा है आपका ईएमएफ और टीपीडी का जो राज है, जो डिफरेंस है वो इसी में छुपा है, जब आपको क्लियर होगा कि आइडियल सेल और रियल सेल क्या है। तो फिर से मैं बोल दूं, आइडियल सेल आप क्लास 10th की फिजिक्स में पढ़ते हो, क्योंकि क्लास 10th में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और क्लास 12th में आप रियल सेल पढ़ते हो। सर व्हाट इज एन आइडियल सेल, तो आइडियल सेल वो सेल होती है जिसमें हम ये बिलीव करके चलते हैं। तो सिंबल फॉर एन आइडियल सेल इज लाइक दिस, तो इट हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल, इट हैज अ नेगेटिव टर्मिनल, और इसका जो पोटेंशियल है, तो हमने यहां ई लिखा, तो ई लिखिए या बी लिखिए, फिलहाल मैं ई लिखूंगा। दैट इज द मैक्सिमम अवेलेबल पोटेंशियल विद द सेल इज कॉल्ड एज ईएमएफ। जो ये मैक्सिमम अवेलेबल पोटेंशियल सेल के पास है, जो उसके पास है, उसको हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं। तो इस सिंबल यूज्ड इज ई, दिस इज द सिंबल फॉर एन आइडियल सेल। बट जब हम क्लास 12th में आते हो, हम आपको जो सेल पढ़ाते हैं, दैट्स अ रियल सेल। सर रियल सेल और आइडियल सेल में डिफरेंस कहां पे है, तो ये देख लीजिए आप, डिफरेंस ये है डिफरेंस। यहां पे हम क्या करते हैं, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे भी हम ईएमएफ मैक्सिमम अवेलेबल पोटेंशियल विद द सेल, बट यहां पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं। इस छोटी सी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और सिंबल में आप याद रखना ये कहां से दिखाया जाता है। सो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ऑफ कोर्स इट इज वेरी स्मॉल, बट इट इज प्रेजेंट इन अ सेल, and therefore real cell में ये दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो ideal और real में difference कहाँ create हुआ, कि real cell में एक छोटी सी resistance present होती है, जिसका value बहुत कम होता है, and that resistance is called as internal resistance, while in ideal cell we believe that internal resistance is missing। सर हमें समझ नहीं आया ये internal cell कहाँ होती है, simple में आप याद रखना, negative terminal के साथ उसको बनाया जाता है, but ये internal resistance जो cell की है सर, ये कहाँ से आती है, देख लीजिए। अगर आपने मार्केट से कभी सेल लाई होगी या घर में देखी होगी आपने, टॉर्च या आपने रेडियो में, तो सेल का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर जो है, ऊपर एक साइड में यहाँ पे एक है ना, एक मैटलिक, एक मैटलिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो थोड़ा रेस्ड होता है, और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, जबकि नीचे जो बॉटम होता है ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है मेटल का, ये नेगेटिव ऑफ अ सेल होता है। अगर आपने टॉर्च और बैटरी में या आपने रेडियो में सेल कभी यूज की होगी, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है हर एक सेल का, चाहे वो छोटी सेल हो या बड़ी सेल, स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। अब हमेशा करंट जो है, हमेशा करंट सेल में फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू हाई टर्मिनल, टू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, from high potential to the negative potential। इसीलिए जैसे हम इसको वायर से कनेक्ट करते हैं इन दो टर्मिनल्स को, वायर एंड रेजिस्टर, दैट्स अ लोड, लोड रेजिस्टर, या आपका रेडियो हो सकता है, आपका टॉर्च हो सकता है, या आपका क्लॉक हो सकता है जिसको ये करंट ट्रांसफर कर रहा है, तो करंट फ्लो भी हाई पोटेंशियल से, फिर ये आपका टॉर्च, रेडियो जो भी है, वहां से करंट आई और फिर यहां नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट गई। अब सर अगर पॉजिटिव से करंट निकल के आपके लोड में चली गई और फिर वापस आई, बट सेल के अंदर जो है सर, सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है करंट मूव करती है, तो वो करंट जो अब नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करती है, और सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है उस करंट को, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी स्मॉल, बट दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये है कि आपके कंसेप्ट को, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपके कंसेप्ट में, आपका कंसेप्ट अच्छे से डेवलप करने के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। ऑफ कोर्स इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा वैल्यू कैरी करती है, बट इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। तो ये कौन सी रेजिस्टेंस होती है, जो आपके सेल में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आपके सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वहां जो करंट को रेजिस्टेंस ऑफर होती है,
है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, वो रेजिस्टेंस कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। बट जब हम सिंबल में इसको बनाते हैं, हम इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, हम इनके बीच में नहीं बनाते हैं प्लस और माइनस, हम सिंबल में इसको बनाते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एक स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसका यूनिट भी ओम होता है। इट इज वेरी स्मॉल बट इज प्रेजेंट, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास 10 एंड क्लास 12 सेल, दैट इन क्लास 10 वी डिस्कस एन आइडियल सेल, बट इन क्लास 12 वी डिस्कस ए रियल सेल। रियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है बिटवीन टू टर्मिनल्स, व्हाइल इन आइडियल सेल क्लास 10 सेल वी हम नेग्लेक्ट करके इसको चलते हैं, हम बिलीव करते हैं ये बहुत छोटा है, इसलिए हमारी कैलकुलेशंस क्लास 10th की फिजिक्स में आसान हो जाती है। बट जब आप क्लास 12th की बात करते हो तो हमारी कैलकुलेशंस जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस और जो है थोड़ा हमें डिटेल जाना पड़ता है और स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता जाता है इस छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये हो गया अब आपका सेल का डेफिनेशन, और सेल दो टाइप्स की होती है, और आइडियल और रियल। रियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होती है, इट इज वेरी स्मॉल बट इट इज प्रेजेंट। इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपका ईएमएफ और टीपीडी का सारा खेल डेवलप होता है। सर कैसे, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो ये सेल है बच्चों, अब जो ये सेल है ये वर्क करता है, इट वर्क्स इन थ्री वेज। सो इट वर्क्स इन थ्री वेज, ठीक है, तीन तरीकों से काम करता है। तो यहीं से आपको क्लियर होगा दैट ईएमएफ एंड टीपीडी क्या होता है। इट वर्क्स इन थ्री वेज, ये तीन तरीकों से काम करता है। नंबर फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं डिस्चार्जिंग मोड। देखो यार, 90% क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में डिस्चार्जिंग मोड ऑफ सेल से आता है। उसके बाद दूसरा होता है इसका चार्जिंग मोड, दूसरा टाइप होता है इसका चार्जिंग मोड, और तीसरा टाइप होता है इसका, दैट इज तीसरा तरीका जो काम करने का, दैट इज कॉल्ड एज कट ऑफ मोड। सो एज सेल वर्क्स इन थ्री वेज, दैट इज इट वर्क्स एज इट डिस्चार्जिंग मोड, ये चार्जिंग मोड में भी काम करती है, और ये कट ऑफ मोड में। सर मुझे मोबाइल नहीं चलता, आई वॉन्ट टू शो दू। देखिए व्हाट डू मीन बाय दैट, कि ये चार्जिंग मोड में कैसे काम करती है, और फिर डिस्चार्जिंग मोड चार्जिंग एंड कट ऑफ मोड। तो आपके जो क्वेश्चन एंट्रेंस में, जब आप एंट्रेंस में चला रहे आओगे तो 95% क्वेश्चन आर आस्क्ड आउट ऑफ हियर, 95% क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो है 95% क्वेश्चन आस्क्ड हियर, तो यहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और 5% यहां से कट ऑफ मोड तो पूछा ही नहीं जाता। बट यही आपको क्लियर कर देगा ईएमएफ क्या होता है और टीपीडी क्या होता है। सर डिस्चार्जिंग मोड क्या है, तो मैं यहां पे पहला मोड लिखूं जिसमें सेल काम करती है, दैट इज डिस्चार्जिंग मोड। देखिए डिस्चार्जिंग मोड क्या होता है सर, देखिए आपके पास जो मोबाइल है, जो आपके पास मोबाइल फोन होता है, तो जब सुबह आप घर से निकलते हो तो ये चार्जर होता है, और रेस्ट दिन में जो इसमें सेल है, जो चार्जर है, वो बाकी सर्किट को, मोबाइल के बाकी सर्किट को कंटिन्यूसली एनर्जी डिलीवर करती है। तो दिन में सेल आपकी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि वो सर्किट को फुलफिल करती है उसकी नीड, वो सर्किट को कंटिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है। इसीलिए जब आप सुबह निकलते हो तो 100% सेल चार्जड होती है, और फिर है ना एक घंटे के बाद 90%, फिर कुछ वक्त के बाद 80%, फिर कुछ वक्त के बाद 70%, और शाम को जब आप घर जाते 25% चार्ज होती है। मतलब ये डिस्चार्जिंग मोड में सेल कंटिन्यूअसली आप सर्किट को जो है एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। दिस मोड इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग मोड ऑफ अ सेल, इसको हम डिस्चार्जिंग मोड ऑफ अ सेल कहते हैं। अब सर हम कैसे पहचानते हैं कि डिस्चार्ज मोड है, तो ये पहचानने का तरीका ये है, डिस्चार्जिंग मोड आप आराम से देखिए, यही आपको क्लियर कर देगा। तो ये एक रियल सेल है, रियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस आप कभी भूल नहीं सकते। सो दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। आप डिस्चार्जिंग मोड आप कैसे पहचानते हो, डिस्चार्जिंग मोड पहचानने का तरीका ये है सर्किट में, कि अगर करंट निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर, तो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर करंट निकलने का मतलब ये सर्किट को फीड कर रही है। सर वो सर्किट कहां है, तो मैं यहां डॉटेड बनाऊं, वो सर्किट यहां है जिसमें आपका लोड रेजिस्टर है, या आपका टॉर्च हो सकता है, रेडियो हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है। तो ये डॉटेड स्ट्रक्चर से मैं यहां दिखा रहा हूं कि ऐसा सर्किट होगा। तो करंट यहां से बाहर निकलने का मतलब, करंट कब बाहर निकलती है, जब सर्किट क्लोज्ड होता है। तो करंट यहां जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से देखोगे करंट बाहर आ रही है, तो ये डेफिनेटली आपका डिस्चार्ज मोड ऑफ सेल है। और जब करंट यहां से बाहर निकली तो सर्किट में करंट यहां से यहां जाएगी, बट हम चूंकि सेल के रिगार्डिंग चीजें पढ़ रहे हैं ईएमएफ, तो बाहर वाले सर्किट को छोड़ के ना मैंने डॉटेड बना दिया, बट करंट डेफिनेटली पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है, सर्किट को फीड कर रही है, और फिर करंट यहां से अंदर वापस आ रही है, और फिर यहां जा रही है, और सर्किट कंप्लीट हो गया। सर ये डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि हम इस वक्त सेल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमें ईएमएफ और टीपीडी के बारे में डिस्कशन करना है, रेस्ट ऑफ द सर्किट जो है अलग कर देते हैं, दैट्स व्हाई मैंने डॉटेड दिखाया। बट ये बनाना जरूरी था सो दैट बच्चे को आइडिया आ जाए कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आई, और फिर करंट जो है नेगेटिव टर्मिनल से सेल के अंदर आई। तो अब आप यहां देख लीजिए, अगर मैं ये पॉइंट जो है सर्किट का ए मानता हूं, और ये पॉइंट जो है बी मानता हूं, मतलब इस सेल के दो टर्मिनल्स में ले लिए, एक टर्मिनल ए है और दूसरा
टर्मिनल वी है. अब आप देख लीजिए सेल का जो ईएमएफ है, व्हाट इज द मैक्सिमम अवेलेबल पोटेंशियल विद द सेल. जो मैक्सिमम अवेलेबल पोटेंशियल सेल के पास अवेलेबल है उसी को तो हम ईएमएफ कहते हैं, सिंबल ई से डिनोट करते हैं. बट सर हमें ईएमएफ और टीपीडी समझ आइए. डिस्चार्जिंग मोड में क्या होता है, तो डिस्चार्जिंग मोड हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आना. तो हम जो है इसमें कन्वेंशन लेके चलते हैं, वो ये है कि अगर हम यहां से सर्किट में मूव करें तो सर्किट में हम ए से बी की तरफ जाए तो मैं लिखूंगा वी ए माइनस वी बी. सर व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सेल. तो दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने जब वी ए माइनस वी बी लिखा तो मैं वी से ए से बी की तरफ जा रहा हूं. तो जब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं फिर आप देख लीजिए जो आपको पहला पोटेंशियल, जो पहला सिंबल आपको मिले, तो यहां पॉजिटिव पोलैरिटी है और ये नेगेटिव पोलैरिटी है. पहला सिंबल ही, पहला सिंबल ही आप लिखिए, दैट इज प्लस. तो यहां प्लस लिखते हैं और पोटेंशियल जो है दैट इज ई. तो पोटेंशियल इज ई, जिसको आप ईएम में भी कहते हो मैक्सिमम अवेलेबल पोटेंशियल. और फिर सर यहां पे आप क्या लिखोगे इस स्मॉल रेजिस्टेंस में, जो करंट का डायरेक्शन है वही आपको दिखाएगा कि आपको प्लस लिखना है कि माइनस. तो रिमेंबर दैट इन केस ऑफ अ रेजिस्टर करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल. तो अगर करंट यहां से यहां आ रही है तो इस रेजिस्टर का ये हाई पोटेंशियल वाला एंड है और ये लो पोटेंशियल वाला एंड है. तो रिमेंबर दैट इन केस ऑफ रेजिस्टर्स करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल. अगर करंट यहां की तरफ आ रही है इसका मतलब ये एंड हायर पोटेंशियल पे है और ये एंड लोअर पोटेंशियल पे है. बट हम सर्किट में अब सिंबल ढूंढ रहे हैं, तो मैंने स्टार्ट किया VA माइनस VB. मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मैंने बोला तरीका जो पहला सिंबल मिले वही लिखिए. तो पहला सिंबल प्लस है और पोटेंशियल ई है. और फिर अब आप रेजिस्टर में देखिए तो पहला सिंबल जो है वो माइनस है, तो मैं लिखूंगा माइनस. अब फिर से यहां पोटेंशियल लिखना है और पोटेंशियल हमेशा होता है करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. अब करंट इसमें आई है और रेजिस्टेंस आर है, तो मैं लिखूंगा आई आर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसको ये इक्वेशन डिजाइन करने आए वो सर्किट के न्यूमेरिकल्स को उड़ा सकता है, अच्छे से कर सकता है. तो तरीका वी ए माइनस वी बी, जब मैं यहां से यहां गया तो पोटेंशियल के बारे में सारी बात चल रही, तो हम सारा पोटेंशियल में लिखेंगे. तो वी ए माइनस वी बी, मैं यहां से यहां चला गया तो पहला सिंबल प्लस है तो प्लस ई. फिर आप रेजिस्टर में गए, वहां पोलैरिटी एस्टैब्लिश कैसे की करंट यहां से यहां जा रही है, तो करंट हमेशा रेजिस्टर में हाई से लो पोटेंशियल जा रही है. तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है. बट आपकी डायरेक्शन यहां पे है, यहां से यहां की तरफ है, तो पहला सिंबल माइनस मिल रहा है तो माइनस लिखेंगे आप. फिर पोटेंशियल हमेशा होता है बराबर करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. एज पर दैट ऑफ ओम्स लॉ करंट आई इसमें जा रहा है, रेजिस्टेंस आर है. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल डिफरेंस. और इसी को हम कहते हैं टीपीडी, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. सेल के दो टर्मिनल में जो पोटेंशियल का फर्क है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल. इसी को हम कहते हैं टीपीडी और इसको हम फिर वी सिंबल से डिनोट करते हैं. और ये टीपीडी डिस्चार्जिंग केस में बराबर है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ई माइनस आई आर. तो ये हो गया आपका टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ अ सेल विच इज इन अ डिस्चार्जिंग मोड. जब सेल डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो उसका टीपीडी होता है जो उसके दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल अवेलेबल होता है रेस्ट ऑफ द सर्किट के लिए, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी हमने वी से डिनोट किया और इसी को हम टीपीडी कहते हैं और ई माइनस आया. और यहां से क्या पता चला कि टीपीडी जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी जो होता है वो ईएमएफ से कम होता है व्हेन द सेल इज इन डिस्चार्जिंग मोड. सो द कंक्लूजन इज दैट कंक्लूजन जो यहां पे आपने ड्रा किया कि जब सेल डिस्चार्जिंग मोड में होती है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन EMF होता है, less than EMF. सर ऐसा क्यों होता है, less than EMF क्यों होता है? तो मुझे आप बोलिए, सेल का जो आपको दिख रहा था maximum available potential वो E है, but जब current circuit में चली तो पहले कुछ drop उसके अंदर हुआ, internal resistance के अंदर ही कुछ drop हो गया. तो ये जो drop होने के बाद जो बचा, वो बचा आपके external resistor के लिए इसी उसी potential को जो आपके rest of the circuit के लिए available है. जो दिख रहा है वो available नहीं है, क्योंकि जब circuit में current चली तो सेल को पहले अपने अंदर ही कुछ ड्रॉप हुआ बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. उसके बाद जो बचा वो जो बचा है दैट इज वी व्हाट वी कॉल अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. एंड ऑफ कोर्स ये लेस देन ई होगा क्योंकि आपका सर्किट जो है वो डिमांड कर रहा है सेल के अंदर पहले कुछ ड्रॉप हुआ और जब सेल के अंदर ड्रॉप हुआ उसके बाद जो बचा वही अवेलेबल है अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अस टीपीडी. मुझे लगता है आपको ईएमएफ और टीपीडी का फर्क समझ आया होगा. अब देखिए आप जो आप क्लास 10th में पढ़ाते हैं आपको आई
आइडियल सेल, हम आपको क्लास 10th में पढ़ाते हैं आइडियल सेल, जो मैंने पहले आज इंट्रोडक्शन में बोल दिया, आइडियल सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जीरो, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो जीरो इंटू आई इज जीरो, तो वी इज इक्वल ई, इसीलिए क्लास 10th में आप वी लिखो ई लिखो एक ही बात है। तो यहां पर भी क्लियर हुआ कि EMF और पोटेंशियल सेम फिजिकल क्वांटिटीज है, देयर यूनिट्स आर डायमेंशंस आर सेम, बट व्हाट मेक्स देम इज डिफरेंट इज दैट कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस हम सेल में लेके चलते हैं तो उस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कुछ ड्रॉप होता है, उसके बाद जो अवेलेबल होता है रेस्ट ऑफ द सर्किट के लिए, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट जब आप सेल मार्केट से लाते हो तो सेल पे लिखा होता है 3.4 वोल्ट, तो वो मैक्सिमम EMF लिखा होता है जो सेल दे सकती है, बट जब सेल सर्किट में आ जाती है तो जब करंट चलती है सेल के अंदर भी कुछ ड्रॉप हुआ, मान लो वो 0.4 वोल्ट का ड्रॉप अंदर हुआ बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल रेजिस्टेंस, उसके बाद 3.4 में से 0.4 वोल्ट आप माइनस करिए, वहां बचा 3 वोल्ट, वो 3 वोल्ट सर्किट के लिए अवेलेबल है और उसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हो गया डिस्चार्जिंग मोड और ये क्लियर हो गया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड DPD। उसके बाद होता है दूसरा टाइप, दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग मोड। तो चार्जिंग मोड क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग मोड? तो चार्जिंग मोड में अब फिर से मैं यहां पहले सर्किट बनाऊं, तो ये आपका सेल है, सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल, EMF इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, क्योंकि हम क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में ले रहे हैं। अब आप देखिए डिस्चार्जिंग मोड में मैंने बोला जब आप सुबह घर से निकले तो कंटिन्यूअसली सेल सर्किट को एनर्जी ट्रांसफर कर रही है और ये डिस्चार्ज हो रही है, करंट बाहर निकलना पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब होता है डिस्चार्जिंग मोड, और शाम को जब आप घर जाते हो 25-20% चार्ज होती है, रेस्ट जो है वो डिस्चार्ज हुई होती है। फिर आप क्या करते हो, शाम को आप चार्जर लाते हो घर में और चार्जिंग पिन जो है मोबाइल के अंदर इंसर्ट कर देते हो और ये चार्ज होना स्टार्ट होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज चार्जिंग मोड ऑफ अ सेल। तो चार्जिंग मोड जो है डिफर कैसे करता है, चार्जिंग मोड कैसे पहचानोगे, तो इस केस में करंट जो है सेल के अंदर जाती है। तो अब यहां पे देख लीजिए, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आती है इट इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग मोड, जबकि अगर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट चली जाती है अंदर चली जाती है दिस इज व्हाट वी कॉल एज चार्जिंग मोड ऑफ द सेल। तो इसको हम चार्जिंग मोड ऐसा हम हमेशा घर में करते हैं, शाम को चार्जिंग पिन इसमें इंसर्ट करके ये चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो पहचानने का तरीका ये है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर डिस्चार्जिंग मोड, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट मतलब होता है चार्जिंग मोड। अब अगर करंट अंदर जा रही है और मैं यही दो पॉइंट्स फिर से ले रहा हूं ए एंड बी, और मैं आपसे डिमांड करता हूं सर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी ए माइनस वी बी, फिर से मुझे बोलिए वी ए माइनस वी बी, इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स दैट्स व्हाट वी कॉल एज टीपीडी। तो पहले करंट यहां से जा रही है तो ये प्लस है ये माइनस है, और अब करंट जब यहां से यहां जा रही है तो अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस में ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव, ये हायर पोटेंशियल एंड हो गया लोअर पोटेंशियल, क्योंकि करंट यहां से यहां जा रही है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अब VA माइनस VB जो पहला सिंबल मिले वही लिखिए, तो इट इज प्लस A, दैट फिर से प्लस आपको रेजिस्टर में दिख रहा है तो दैट इज प्लस, हर एक जो है चाहे आपका सोर्स हो चाहे आपका पैसिव एलिमेंट है जो उसमें पहला साइन आपको दिखे वही आपको लिखना होता है, तो यहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं, ये प्लस है ही और ये प्लस हमने लिखा and then it is again it is current to I jar and potential is IR। तो यहां पता चला कि चार्जिंग मोड में जो TPD होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं होता है बराबर E plus IR। तो मुझे लगता है डिफरेंस अब क्लियर हुआ दैट इन केस ऑफ चार्जिंग मोड दैट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ EMF। यहां पे देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज E minus आया, यहां पे देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज E plus आया। द कंक्लूजन इज दैट जो यहां पे आप conclusion आप draw कर सकते हो that in this case that terminal potential difference is greater than EMF। जब हम बच्चे से पूछते हैं that in case of a cell assertion reason में जब हम NEET का paper set करते हैं हम बच्चे से पूछते हैं in case of a cell that EMF is always, तो बच्चा लिखता is always greater than that of EMF is always greater than that of TPD। But remember that in case of discharge mode EMF जो है EMF is greater than that of terminal potential difference, while as in case of charging mode terminal potential difference is greater than that of EMF। तो ये depend करता है आप कौन सा circuit solve कर रहे हैं, charging mode में cell है discharging mode में cell है। तो remember that मैंने पहले ही बोला कि discharging mode में 95% questions पूछे जाते हैं, but उसका ये मतलब नहीं कि हम 5% वाला charging mode छोड़ दें। तो charging mode में potential
पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी ही ज्यादा होता है ईएमएफ से, जबकि डिस्चार्जिंग मोड में ईएमएफ ही टीपीडी से ज्यादा होता है। तो यहां पे आप यहीं से करंट देते हो जो सर्किट को भी चार्ज करते हो, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फीड करती है, इसीलिए टीपीडी यहां ज्यादा है। और इस केस में सेल ही सर्किट को पंप कर रही है करंट, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फीड करती है सेल, इसलिए उसमें कुछ अंदर ड्रॉप होता है और जो अवेलेबल होता है वो कम होता है, जो अवेलेबल होता है वो टीपीडी है वो कम है, ई माइनस समथिंग है, क्योंकि अंदर ड्रॉप हुआ। बट चार्जिंग मोड में यहीं से हम करंट पंप करते हैं, इसीलिए उस वक्त जो टीपीडी है वो ज्यादा होता है आपके एएमएफ से। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ अ सेल इन व्हिच अ सेल वर्क्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डिस्चार्जिंग मोड एंड अ चार्जिंग मोड। तीसरा मोड होता है कट ऑफ मोड, जो बड़ा जो है आसान है। व्हाट इज कट ऑफ मोड सर? कट ऑफ मोड क्या होता है? तो एज द नेम रिफ्लेक्ट्स, इन दिस मोड सेल इज इन कट ऑफ फॉर्म, मतलब ये हो गया पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव, दिस इज ईएमएफ, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। कट ऑफ मोड हो गया मतलब सर्किट जुड़ा ही नहीं है, तो कोई करंट निकलती नहीं है। जब कोई करंट निकली ही नहीं, तो जब करंट ही एब्सेंट है, क्योंकि सर्किट जो है ओपन है, जब करंट ही एब्सेंट है, अब करंट एब्सेंट है तो यहां कोई ड्रॉप नहीं है, तो उस केस में वी जो है ई के बराबर हो जाएगा। तो कट ऑफ मोड में जब आप मार्केट से सेल लाते हो, जो लिखा है 3.4 वही आपका जो है अवेलेबल पोटेंशियल भी है, पर जब सर्किट में सेल आ जाती है फिर डिस्चार्जिंग मोड के अंदर ड्रॉप होकर बाद जो बचता है दैट इज टीपीडी, और चार्जिंग मोड में यहीं से हम करंट पंप करते हैं सेल में, उसकी वजह से वो चार्ज होती है और उस केस में टीपीडी जो है वो ग्रेटर होता है ईएमएफ से। तो कट ऑफ मोड में मतलब सेल इज इन एन ओपन सर्किट, देयर इज नो करंट, देयर इज नो ड्रॉप इनसाइड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड वी जो है ईएमएफ जो है वो टीपीडी के, या टीपीडी जो है वो ईएमएफ के बराबर है। सो दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट वी कॉल एज, जो आपका क्वेश्चन आज था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आज था, दैट इज व्हाट इज ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग इट, है ना। कंसेप्चुअली मैंने आपको बिल्ड कर दिया कि ईएमएफ एंड टीपीडी में सीधे लिख सकता था ईएमएफ इज दिस एंड टीपीडी इज दिस, बट मैंने पूरा क्लियर आपको कर दिया कि सेल में एक्टिव एलिमेंट होता है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसी में ड्रॉप होता है, और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इन दो क्वांटिटीज का अलग अलग जन्म होता है, ईएमएफ अलग होता है और टीपीडी अलग होता है, कैसे वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद है स्टेट and explain Kirchhoff's rules and obtain balance condition for Wheatstone bridge. अब जो आपका topic है, that is Kirchhoff's laws. तो हम Kirchhoff's laws discuss करेंगे, और Kirchhoff's laws discuss करने के बाद जो है, Kirchhoff's laws discuss करने के बाद जो है, हम आपको एक चीज clear कर देंगे, इसी से हम फिर जो है आपका Wheatstone bridge भी explain करेंगे। तो अब जो topic है, ये आपके 3 marks के board में आता है, that explain Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws. तो 3 मार्क्स के लिए Kirchhoff's laws पूछे जाते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो Kirchhoff has given, he has given 2 laws in current electricity. He has given 2 laws in current electricity. तो current electricity में उसने 2 laws. He has given 2 laws in current electricity in order to simplify circuits. In order to simplify circuits. तो सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उसने दा 2 लॉ। नंबर फर्स्ट इज Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, इसको हम Kirchhoff's फर्स्ट लॉ कहते हैं, और इसको हम जंक्शन रूल कहते हैं, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं Kirchhoff's करंट लॉ। तो इसके नाम ही कुछ भी बोल सकता है वो, Kirchhoff's करंट लॉ, Kirchhoff's करंट लॉ, जिसको आप फिर लिखते हो KCL, Kirchhoff's current law। तो Kirchhoff ने पहला law जो दिया, उसका नाम Kirchhoff's first law, इसको junction rule भी कहते हैं, या इसको Kirchhoff's current law KCL भी कहते हैं। और उसके बाद दूसरा law जो है, that is Kirchhoff's second law। Kirchhoff's second law को हम loop rule भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरे loop में जो है valid है, और उसके बाद loop rule इसलिए क्योंकि इसमें current चलनी चाहिए, पूरा loop involved है, तो loop rule। और उसके बाद इसको हम कहते हैं Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, या इसको हम KVL के नाम से भी जानते हैं। तो Kirchhoff ने 2 लॉ दिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, he has given 2 laws in order to simplify your circuits, and that's Kirchhoff's first law, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं हम, या जिसको हम Kirchhoff's करंट लॉ भी कहते हैं, नंबर सेकंड इज Kirchhoff's सेकंड लॉ, जिसको लूप रूल या Kirchhoff's वोल्टेज लॉ कहते हैं। अब हम पहला लॉ जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ इज हियर, दैट इज Kirchhoff's फर्स्ट लॉ। तो Kirchhoff's फर्स्ट लॉ, या मैं आप सीधे लिखूं KCL, जिसको आप जानते हो Kirchhoff's करंट लॉ के नाम से। देखो, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज पर, तो मैं लिखूं पहले, इट इज बेस्ड ऑन ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पीडीएफ आपको इसका मिलेगा आज इस पूरे चैप्टर का जो हमने अभी डिस्कशन किया है इसमें। सो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सर व्हाट डू यू मीन बाय इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है, किरचॉफ कहता है दैट इफ देयर इज अ जंक्शन इन अ सर्किट देन द समेशन ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ ऑल करंट्स, सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो। दैट इज the currents which are leading towards the junction are always equal to the magnitude of currents which are leaving from the junction। मतलब अगर आपके पास सर्किट में एक जंक्शन है, अगर आपके पास सर्किट में एक जंक्शन है, सर जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है सर्किट में जहां दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं। तो यहां पे मैं दिखाऊं इस चीज को बच्चों, इस चीज को हम जंक्शन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन वो सर्किट होता है सर्किट में जहां पे दो से ज्यादा कंडक्टर्स मीट करते हैं। और अब इस जंक्शन में जो दो वायर्स है, मान लीजिए ये और ये इनकमिंग करंट ला रही है, मतलब करंट जंक्शन की तरफ ला रही है। तो एरो क्लियर हो गया, ये भी अंदर जा रहा है एरो, ये भी जंक्शन की तरफ लीड कर रहा है। तो इसको लीड करना कहता है। तो दो करंट जंक्शन की तरफ आ रही है। बट जब आप यहां से देखोगे, मान लीजिए अब जंक्शन से ये करंट बाहर आ रही है, तो एरो बाहर की तरफ, तो जंक्शन से लीव कर रहा है, तो ये करंट भी जंक्शन से लीव कर रहा है और ये करंट भी जंक्शन से लीव कर रहा है। तो दो करंट लीड कर रही है टुवर्ड्स जंक्शन एंड तीन करंट लीव कर रही है फ्रॉम द जंक्शन। तो किरचॉफ कहता है फर्स्ट लॉ में दैट सम ऑफ दैट इज समेशन ऑफ ऑल करंट्स एट अ पर्टिकुलर जंक्शन इन अ सर्किट इज ऑलवेज इक्वल जीरो। मतलब इन सारे करंट्स का अगर आप सम करेंगे तो हमेशा जीरो के बराबर होता है। उसका ये भी मतलब है, दैट इज ये भी मतलब है उसका, दैट इज आई वन देन प्लस आई टू जो है वो हमेशा बराबर होता है एक्चुअली आई थ्री देन प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। मतलब जितना करंट सर्किट में आया लीड हुआ उतना ही करंट सर्किट से लीव करेगा। तो ये ऐसे भी आप समझ लो, मान लीजिए आपके घर में दो पाइप्स आ रही है पानी लेके और एक जंक्शन पे आ रही है, और फिर आपके चार वॉशरूम है, तो चार वॉशरूम में चार पाइप्स बाहर जाएंगी। बट जितना पानी दो पाइप से उस जंक्शन की तरफ आ रहा है, जो आपके पास टैंक है जो जमा हो रहा है, उतना ही पानी उन चार वॉशरूम में जो है चला जाएगा। क्योंकि हम ये बिलीव करके चलते हैं ना, आपके इस सर्किट में, इस जंक्शन में, उस टैंक में आपके पास सिर्फ दो ही पाइप्स आ रही है पानी लेके, और तीन या चार पाइप्स बाहर जा रही है। तो जितना पानी आएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, क्योंकि ना पानी क्रिएट हो सकता है ना पानी गायब हो सकता है अगर उसमें कोई लीक नहीं है। इन द सेम फैशन एक सर्किट में, एक जंक्शन में अगर दो करंट्स लीड कर दिए टुवर्ड्स जंक्शन, फिर चार या दस या पंद्रह वायर्स बाहर जा रही है। पर जितना यहां से करंट, जितना यहां से चार्ज आएगा उतना ही उन 10 वायर्स या 15 वायर्स से बाहर जाएगा। क्योंकि हम ये बिलीव करके चलते हैं कि इस जंक्शन पे ना तो चार्ज क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि चार्ज यहां इस जंक्शन पे ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। जितना चार्ज इन दो करंट्स ने लाया उतना ही चार्ज तीन करंट से बाहर गया। तो I1 प्लस I2 जो लीड कर रहा है वो होना चाहिए I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका ये मतलब है अगर मैं ऐड ऐसे करूं, मैं लिखूं i1 plus i2 और फिर यहां लाइए इसको इक्वलिटी के इधर लाइए, तो ये माइनस i3 हो जाएगा, ये माइनस i4 हो जाएगा, ये माइनस i5 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। दिस इज व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। दैट इज द करंट्स व्हिच आर लीडिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, द करंट्स व्हिच आर लीडिंग टुवर्ड्स द जंक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू द करंट्स व्हिच आर लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। जो लीड कर रही है जंक्शन की तरफ वो हमेशा उन करंट्स के बराबर है जो लीव कर रही है फ्रॉम अ जंक्शन। दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, वेरी सिंपल। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एट अ जंक्शन। दैट इज द चार्ज व्हिच इज इनकमिंग इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज व्हिच इज आउटगोइंग। दैट इज सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। एंड द फाइनल कंक्लूजन इज दैट द सम ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन, समेशन ऑफ ऑल करंट्स एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, यही होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अगर इसमें एक एग्जांपल मैं यहां पे ऐड कर दूं तो इसमें ऐसे मैं बना सकता हूं, मान लीजिए बच्चों आपके पास एक सर्किट, एक ऐसा जंक्शन है जिसमें ये दो वायर्स करंट ला रही है और फिर ये वायर जो है करंट ले जा रही है। मान लीजिए यहां से जो करंट आ रही है बच्चे, ये करंट जो है ये 7 एम्पीयर है, 7 एम्पीयर का करंट है, और ये 5 एम्पीयर का करंट है। और फिर यहां से जो करंट लीव कर रहा है, मान लीजिए ये 2 एम्पीयर का करंट है, ये 2 एम्पीयर का करंट है, और मान लीजिए ये 3 एम्पीयर का करंट है। हमें वो बोल रहा है कि यहां से जो करंट लीव करेगा वो कितना होगा, तो आपको क्या करना है, 7 प्लस 5 होता है 12, तो 12 एम्पीयर की करंट आ रही है, उसमें 3 प्लस 2 होता है 5, तो मतलब
मतलब डेफिनेटली यहां से जो करंट लीव करेगी वो 7 एंपियर, क्योंकि इनकमिंग करंट जो है हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होता है. दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ फर्स्ट लॉ. उसके बाद जो है दूसरा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज किरचॉफ सेकंड लॉ. जिसको आप केवीएल के नाम से भी जानते हो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और जिसको आप लूप रूल से भी जानते हो, कि दैट लूप रूल और केवीएल और किरचॉफ सेकंड लॉ. अब जो किरचॉफ सेकंड लॉ जो है, इसमें पहला स्टेटमेंट यही है दैट इट इज बेस्ड ऑन, अब ये किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये आपके क्लास 12th के बोर्ड ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाएगा. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और इसका स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ एक्टिव एज वेल एज पैसिव एलिमेंट्स, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ एक्टिव जैसे सोर्स है, सेल है, एंड पैसिव जैसे रेजिस्टर्स है, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ एक्टिव एज वेल एज पैसिव एलिमेंट्स इन अ सर्किट इन अ closed loop is always zero. तो वो आपको PDF में मिलेगा, but statement मैंने बोल दिया कि sum of all potentials in a closed loop, including those of active as well as passive elements in a loop, in a closed loop is always equal to zero. In order to prove that, I will give you an example. क्योंकि आपको example से अच्छे से समझ आएगा. Let us consider that मेरे पास एक circuit है, एक simple circuit जो हम explain करने के लिए Kirchhoff's second law, जो आपको समझ आ जाए, फिर आपको इस आज जो इसका PDF भी upload होगा. तो यहाँ पे मान लीजिए ये potential जो है, ये सोर्स जो पोटेंशियल दे रहा है वो 18 वोल्ट्स का पोटेंशियल है. मान लीजिए ये 5 ओम का रेजिस्टर है, मान लीजिए ये 3 ओम का रेजिस्टर है और ये 1 ओम का रेजिस्टर है, तो इसको हम एक्टिव एलिमेंट कहते हैं. इसका पोटेंशियल 18 वोल्ट है, एनर्जी ग्रेटर है ये, और ये जो है ये पैसिव एलिमेंट्स है, ये एनर्जी कंज्यूम जो है सर्किट में करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज पैसिव एलिमेंट्स. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप देखोगे, हम देखेंगे कि यहां से करंट जो बाहर आई सर वो कितनी है. करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज नेट पोटेंशियल बाय नेट रेजिस्टेंस. जो सर्किट में नेट पोटेंशियल है, डिवाइड बाय करो उसको नेट रेजिस्टेंस, तो आपको नेट करंट का अंदाजा होगा. क्योंकि पोटेंशियल इज ऑलवेज करंट इनटू रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज ओम्स लॉ, एंड देयरफॉर करंट इज नेट पोटेंशियल बाय नेट रेजिस्टेंस. अब अगर आप देखोगे नेट पोटेंशियल 18 है और नेट रेजिस्टेंस ये है कि ये 3 रेजिस्टर है और ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है, और अगर ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में है तो 5 प्लस 3 प्लस हो गया 8, 8 प्लस 1 हो गया 9, तो नेट रेजिस्टेंस 9 है. सर आपने ऐड कैसे किया, क्योंकि तीनों रेजिस्टर एक ही लाइन पे है, उनमें एक ही करंट फ्लो कर रही है, और वो करंट जब सिमिलर होती है, सेम करंट हर एक रेजिस्टर में होती है, तो वो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं, इसीलिए 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9. और फिर अगर आप देखोगे इट इज 9 दूजा हो गया 18, तो इस सर्किट में जो करंट चल रही है वो 2 एंपियर की करंट, तो यहां पे जो करंट बाहर आ रही है वो 2 एंपियर की करंट है, और वही करंट यहां से यहां और हर रेजिस्टर में सेम करंट जा रही है, क्योंकि सीरीज मतलब करंट हर एक रेजिस्टर में सेम होती है. उसके बाद सर अब आप किरचॉफ सेकंड लॉ आपने जो बोला इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आपने स्टेटमेंट ये दिया दैट सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इन अ क्लोज्ड लूप, तो ये क्लोज्ड लूप है, इसको लूप रूल इसीलिए कहते हैं, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ एक्टिव एज वेल एज पैसिव एलिमेंट्स इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब जितना ये एनर्जी क्रिएट कर रहा है उतना ये एनर्जी खत्म कर रहे हैं, तो टोटल जो सम ऑफ पोटेंशियल्स है वो हमेशा जीरो होना चाहिए. अब हम वो कैसे करें, देखिए अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कहां से कहां की तरफ मूव कर रहे हो. अगर आप यहां से यहां की तरफ मूव कर रहे हो तो आप यहां से भी जा सकते हो, आप यहां से भी जा सकते हो, तो कन्वेंशन अकॉर्डिंगली. कन्वेंशन ये है जो मैंने एरियर आपको बोल दिया. अब रजिस्टर में करंट यहां से यहां जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, अर्लियर भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ. फिर इस रजिस्टर में भी करंट यहां से यहां जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है. इन द सेम फैशन इस रेजिस्टर में भी करंट यहां से यहां जा रही है, तो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, और सोर्स में कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां हाई और लो पोटेंशियल क्लियर है. अब आप देखिए द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इन अ क्लोज्ड लूप, तो मैं इस लूप में अकॉर्डिंगली जाऊंगा. जो मैंने पिंक कलर यूज किया, दैट्स व्हाई आई यूज्ड हियर पिंक कलर, क्योंकि मैं अगर फिर येलो कलर में भी आपको दिखाऊंगा. अब आप यहां से यहां जाइए, आप सर्किट में यहां से यहां जाइए, तो आप जो पहला साइन मिले जो मैंने आपको अभी बोला, तो पहला साइन यहां चिपका दीजिए, दैट्स प्लस, और फिर आईआर,
I जो है that is 2 into 5 जो है IR, तो आपके लिए मैं पूरा लिख दूं, it is 2 into 5, then फिर आप फिर से यहाँ पे आपको जो साइन पहले एनकाउंटर होता है वो प्लस है, तो मैं लिखूं प्लस IR, I जो है that is 2, R जो है वो 3 है, that is 2 into 3, फिर से यहाँ एनकाउंटर जो पहला साइन हो रहा है वो प्लस है, तो मैं लिखूंगा प्लस I जो है 2 है into that resistance that is 1, और फिर यहाँ जो साइन एनकाउंटर हो रहा है that is minus, and minus इसमें IR लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद पोटेंशियल है 18, तो ये होना चाहिए 0, that is what is the statement, the sum of all potentials in a closed loop including those of active and passive elements is always equal to 0, ऐसा कहता है किरचॉफ सेकंड लॉ, तो हमें देखना है कि ये 0 के बराबर सच में आएगा कि नहीं। अब आप चेक करिए, देखिए 2 5s हो गया 10 plus 2 3s हो गया 6 plus 2 1s 2 minus 18, ये सारा रिड्यूस होना चाहिए 0, देखिए 10 plus 6 होता है 16 plus 2 होता है 18, तो 18 minus 18 is equal to 0, 0 is equal to 0, proved that किरचॉफ सेकंड लॉ जो है that in a closed loop the summation of all potentials including those of active as well as passive elements is 0. सर आपने हमारे सिद्धांत लिखी, आपने अपने हिसाब से एरो लिया, आप सर हम रिवर्स में जाना चाहते हैं, तो रिवर्स में भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हम जा रहे हैं सर, तो हम ऐसे जाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आप ऐसे जा रहे हो तो पहला साइन एनकाउंटर हुआ माइनस आई इंटू आर, अब आई आप जानते हो 2, अब मैं सीधे लिखूं 2 into 1 is 2, उसके बाद अब यहां पे देखिए पहला साइन एनकाउंटर होता है माइनस दैट इज आई इंटू आर, हां 2 3 हो गया 6, फिर से यहां पे जो पहला साइन एनकाउंटर हो रहा है माइनस आई इंटू आर हो गया 2 5 हो गया 10, और उसके बाद जब आप यहां से इधर आओगे तो पहला साइन प्लस हो गया 18, होना चाहिए 0 के बराबर, सर क्या है 0 के बराबर है, खुद देखिए आप ये तीनों माइनस में है, तो ये माइनस 18 प्लस 18 इज इक्वल 0, 0 इज इक्वल 0, प्रूव दैट किरचॉफ सेकंड लॉ जो है इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल जो सोर्स क्रिएट करता है और जो पैसिव एलिमेंट्स कंज्यूम करते हैं वो हमेशा 0 होता है, एंड दिस इज नथिंग बट किरचॉफ सेकंड लॉ जो इस एग्जांपल से क्लियर हुआ। और आप कन्वेंशंस कैसे आप याद रखोगे, जो मेरा तरीका मुझे लगता है वो सिंपल है, हर टीचर अपने हिसाब से कन्वेंशन बनाता है, बट मेरे कन्वेंशन जो है मुझे लगता है थोड़े से आसान है कि आप जब सर्किट में चलते हो जो पहला साइन एनकाउंटर हो जाए वही आप लिख दीजिए, और फिर आप सर्किट में जाइए लूप कंप्लीट करिए, समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल्स हमेशा 0 होगा, और इसका ये मतलब है जो सोर्स ने पोटेंशियल क्रिएट किया और जो पैसिव एलिमेंट्स ने कंज्यूम किया वो इक्वल है, एंड दैट इज व्हाई इट गेट्स रिड्यूस्ड टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो अभी जो आप अपने डिस्कशन आज किया दैट इज अबाउट जो मैं आपका ये स्लाइड वापस लाऊं और आपको दिखाऊं आप पेंडिंग क्या हमारे पास, देखिए आप आज मैंने ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ा दिया, उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉस जो है वो भी कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली वन थिंग दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट विल बी अवर नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिक, इट्स अ बिग चैप्टर, ये बड़ा चैप्टर है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां से आते हैं, दैट इज व्हाई इसमें 3-4 लेक्चर तो जेन्युइन है, अदरवाइज इस चैप्टर के साथ ना इंसाफी हो सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने चाहा कि आपके कांसेप्ट्स बिल्कुल हो जाए, दैट्स व्हाई अब लास्ट लेक्चर में हम व्हीटस्टोन ब्रिज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।